हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल मैक इंडिया टेक में। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं CSIR, सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी निकला हुआ है, जिसका एडवर्टीजमेंट्स नंबर जो यहाँ पे दिखाया गया है 01/2022। तो ये दोस्तों खास करके दो पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, टेक्नीशियन वन और टेक्निकल असिस्टेंट्स। तो दोस्तों और ये जो है पोस्ट निकलने के बाद जो बच्चे क्वालिफाइड करेंगे उसकी पोस्टिंग्स कोलकाता, नरोदा एंड खुर्जा में होगी। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। इसमें पोस्ट कोड अलग अलग रखा गया है, जिसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वैकेंसी है। कुछ पोस्ट कोड में अच्छा खासा वैकेंसी दिया गया, कुछ पोस्ट में दो तीन ही पोस्ट निकाला गया, बट इसका जॉब जो है बहुत ही बढ़िया है। इसका पे स्केल की बात करें तो हमारा 19,900 से 63,200 रखा गया, और अपर एज लिमिटेड की बात करें जो कि जनरल के लिए है 28 रखा गया है, और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10+ ITI रिलेटिव फील्ड से होना चाहिए। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कोड जो है टेक्नीशियंस के लिए 12 तक रखा गया है। जो बच्चे ITI किए हैं और इस रिलेटिव फील्ड से कुछ एक्सपीरियंस है तो वो और ही उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। और आप लोग इस एडवर्टीजमेंट्स को अच्छा से देख लीजिएगा कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंस की। टेक्निकल असिस्टेंस पोस्ट की जो वैकेंसी है ये डिप्लोमा वालों के लिए है, जिसका भी पे स्केल जो है 6 लेवल पे रखा गया है, 35,400 से 1,12,400 रखा गया, और इसकी भी अपर एज 28 ईयर्स ही रखा गया। और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए जो कैंडिडेट डिप्लोमा किए और मिनिमम उसका 2 साल का रिलेटिव फील्ड से एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो डिप्लोमा की बात करें, जो कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स एंड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग्स, सिविल इंजीनियरिंग्स, सिरामिक्स इंजीनियरिंग्स या कंप्यूटर साइंस या केमिकल इंजीनियरिंग्स, इस फील्ड से रिलेटेड जो डिप्लोमा किए हैं उनके लिए ये पोस्ट निकली हुई है। दोस्तों आगे बात करते हैं, ये इसका जो क्या क्या बेनिफिट्स दिया जा सकता है इस जॉब में। आपको हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाएगा, DA दिया जाएगा, यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपका 7th पे कमीशन्स आपका लागू हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा पेमेंट मिलेगी आपको। और ये लास्ट डेट जो है इस फॉर्म का 31/5/2022 रखा गया, और आज की ही डेट से ये फॉर्म लिंक एक्टिवेट कर दिया गया फॉर्म फिलअप करने के लिए। और आगे दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में, एज रिलैक्सेशंस की बात करें तो जो एज गवर्नमेंट्स रूल्स होती है उसके अकॉर्डिंग ST/SC के लिए 5 ईयर्स और OBC के लिए 3 ईयर्स दिया गया है। और इसको इसके लिए जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो एग्जामिनेशन फ़ी 500 रुपीज़ रखा गया है, जो कि अंडर सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट अकाउंट नंबर इतना पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जादवपुर यूनिवर्सिटी ब्रांच में पे करना है, और इसका कोई भी अदर्श मोड नहीं है। और उसके बाद आपको एक यूनिक ट्रांजेक्शन रिसिप्ट नंबर मिलेगा, उसको आप उस फॉर्म में मेंशन करेंगे, और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है वो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ वैलिड EWS सर्टिफिकेट्स। तो ये दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको अटैच करना है। आगे बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो ये OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगी, और इसमें
जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होगी, और ये टेक्नीशियन पोस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट दोनों पोस्ट के लिए 3 पेपर की एग्ज़ाम होगी। फर्स्ट पेपर के लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगी, जिसमें कि 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होगी। और पेपर टू के लिए जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज होगी, जिसमें 25 क्वेश्चंस होगी और इसमें 1 नेगेटिव मार्क्स रहेगी। और पेपर 3 में रिलेटिव ट्रेड या फील्ड से क्वेश्चन रहेंगे, जो 50 क्वेश्चन रहेंगे। उसी तरह टेक्निकल असिस्टेंस के लिए सेम टू सेम यही क्राइटेरिया है, बट यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस के लिए 100 क्वेश्चंस रखा गया पेपर 3 के लिए। तो ये था दोस्तों इसका एडवर्टीजमेंट्स का डिटेल। दोस्तों इससे रिलेटेड हम वीडियो और बनाएंगे, ताकि आप लोगों का इसका सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसका वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोग को पल पल का नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड मिलते रहेंगे। थैंक यू।